वेलकम टू देसी पटाका। एज ऑलवेज मैं हूं आराधना आपके साथ। दोस्तों, बिग बॉस ने घर वालों को नया लग्जरी बजट का दे दिया है, जहां पर देखने को मिलेगा घर वालों का डर्टी गेम। घर में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। आज फिर से असीम और सिद्धार्थ की लड़ाई होगी। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा खास आज के एपिसोड। बिग बॉस ने जो नया लग्जरी बजट कार्य दिया है, उसके तहत घर को दो टीम में डिवाइड किया जाएगा। पारस और सिद्धार्थ एक तरफ होंगे और विशाल और असीम एक तरफ होंगे। और अल्फाबेट्स देंगे बिग बॉस कुछ, उन अल्फाबेट्स को घर वालों को लूटना है फटाफट से और अपने दिए हुए बोर्ड पर लग्जरी बजट जो पहले लिखेगा और पूरी तरह से लिखेगा वो टीम विजेता बनेगी। और इस वजह से घर वालों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई आज होती हुई दिखेगी, जहां पर पारस सिद्धार्थ के साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बना रहा होता है कि हमें हर हाल में ये जीतना होगा, क्योंकि लग्जरी बजट कार्य के विजेता हम ही घोषित होने चाहिए। जिसके बाद माहिरा और शहनाज आपको ये बात करती हुई दिखेंगी। माहिरा कहेगी कि जो भी हो ना, मैं तो कूद पड़ूंगी बीच में। शहनाज कहेगी, सुन, उस तरह से लड़का आए लड़की आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो बीच में कूद ही जाइयो। साफ है वुमेन कार्ड प्ले करना चाहती हैं और उन्होंने आज वुमेन कार्ड प्ले भी किया है। हम आपको बताते हैं, जैसे ही अल्फाबेट्स आते हैं चारों के चारों टूट पड़ते हैं, चारों लड़के एक दूसरे के ऊपर होते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं। असीम अल्फाबेट लेकर उड़ निकलता है। पारस बोलता है कि तुमने व्हाइट लाइन के नीचे नहीं आया था, उससे पहले उठाया है। आरती भी सिद्धार्थ की टीम की तरफ होती है और आरती भी उन्हीं का साइड ले रही होती है कि नहीं, अल्फाबेट नीचे नहीं आया था, तुमने चीटिंग की है आसिम। ये सब हो रहा होता है। इसी बीच में जब दोबारा अल्फाबेट्स आते हैं अल्फाबेट्स को लेने के लिए, फिर से चारों टूट पड़ते हैं, लड़ाई होती हुई नजर आती है। वहां पर शेफाली भी उनके बीच में कूदने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे दूर से बैठ के चूटी काटने की कोशिश करती है कि किसी तरह से ये लोग अलग हो जाए, अल्फाबेट हम लोग लेके निकल लें। लेकिन वहां पर तब माहिरा वुमेन कार्ड प्ले करने के लिए आती है। वो वहां पर कूदने के बीच में कोशिश कर रही होती है, हाथ में उसके खाने की थाली होती है और असीम उससे कह रहा होता है, तुम हट जाओ, तुम्हें लग जाएगी माहिरा, तुम हट जाओ, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। लेकिन माहिरा नहीं हटती है और असीम का हाथ उसकी थाली पर लग जाता है, हल्का सा, इतना लगता भी नहीं, लेकिन माहिरा उसे जानबूझ के नीचे गिर देती है और चिल्लाने लग जाती है। असीम और माहिरा की लड़ाई होती है, जिसके बाद सिद्धार्थ भी बीच में कूदता है। सिद्धार्थ और असीम की भी कहा सुनी आज आपको होती भी नजर आएगी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे होंगे। सिद्धार्थ कहेगा तेरी गलती है, असीम कहेगा तुम्हारी गलती है। तो वहीं दोस्तों पारस और असीम की भी बहुत भयंकर लड़ाई देखने को मिलेगी। शेफाली और पारस की भी लड़ाई होगी, जहां पर पारस शेफाली से कहेगा कि तुम आकर चूटी काट रही थी, तुम बीच में क्यों आई और तुम यहां पर आज वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हो। और शेफाली कहेगी कि मैं आदमियों के बीच में रहकर आदमी की तरह ही खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ कहेगा, लेकिन यहाँ तो आदमी आदमी की तरह नहीं खेलते ना, तो तुम कैसे आदमी बन जाओगी। इसी बीच में इन लोगों की काफी लड़ाई, काफी कहा सुनी होगी और असीम और शेफाली की भी इस बात को लेकर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि असीम उनके बीच में नहीं पड़ेगा। दोस्तों साफ हो रहा है बिग बॉस ने ऐसा खेल रचा है जिसकी वजह से दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। पारस और सिद्धार्थ दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनके ग्रुप में माहिरा शहनाज ये चारों एक होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर दूसरी तरफ असीम की टीम में फूट पड़ने की भी संभावना नजर आ रही है। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर देकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने देसी पटाखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक अपडेट जानने के लिए देसी पटाखा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय बाय।